आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर आज पलामू में भी उत्साह का माहौल देखा गया। विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक जन संगठन के लोगों ने सदीक चौक स्थित सुभाष चौक पर नेताजी सुभाष चौक की प्रतिमा के समक्ष आकर माल्यार्पण किया और उन्होंने राजनीति में जो ईमानदारी और जो सिद्धांत स्थापित किए थे उन मूल्यों उन आदर्शों को बचाए रखने का संकल्प भी लिया। सुभाष चौक पर नेताजी की प्रतिमा की स्थापना 1994 में तब तत्कालीन विधायक इंदर सिंह नामधारी की ओर से किया गया था, उनके द्वारा किया गया था और 1994 से लेकर अब तक लगातार यहां पर आयोजन होता रहा है। नेताजी को याद करने की परंपरा चलती आ रही है और इस परंपरागत कड़ी में बंगाली समिति का नाम हो, मेलोडी ग्रुप का नाम हो, मासूम आर्ट ग्रुप का नाम हो या भारतीय जननाट्य संघ इप्टा के कलाकार हों, वे तमाम लोग यहाँ पहुँचते हैं सुबह सवेरे। प्रभात फेरी निकाली जाती है, कई तरह के सांस्कृतिक आयोजन भी होते हैं। इस बार कोरोना संकट को देखते हुए कार्यक्रम थोड़ा छोटा किया गया है, उसके बावजूद नेताजी को याद करते हुए सांप्रदायिक शक्तियों को ध्वस्त करने के लिए और समाज में और राजनीति में मूल्यों को स्थापित करने के लिए लोगों ने इस संकल्प को दोबारा दोहराया है। हमारे साथ मौजूद हैं जिले के वरिष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षक चंद्रवली चौबे जी, जिन्होंने आज माल्यार्पण कर नेताजी को याद किया। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है आज नेताजी का संदेश। इस अवसर पर नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और उनके कहने पर हमारे देश के युवाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस मुकीम तक पहुंचा। लेकिन आज केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार युवाओं को भूल बैठी है। किसान आज महीनों दो महीना से आंदोलन पर हैं, जान तक दे रहे हैं। विद्यार्थी सिर्फ घर में ही विद्यार्थी होकर रह गए हैं, किसी प्रकार की उनको सुविधा नहीं है। अतः मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं, उनकी संदेश को आत्मसात करें और देश को आगे बढ़ाने में लगे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे साथ मौजूद हैं बंगाली समिति के सक्रिय सदस्य। हम जानेंगे कि क्या इस बार नया रिनोवेशन किया गया, कैसे ये संभव हो पाया, किनका सहयोग मिला। जैसा कि आप बोर्ड में स्पष्ट देख रहे हैं, 1994 को स्थानीय विधायक और झारखंड विधानसभा के प्रथम सभापति इंदर सिंह नामधारी जी की ये परिकल्पना थी कि इस चौक पर, चूँकि ये सुभाष चौक के नाम से जाना जाए और नेताजी की एक प्रतिमा लगे। उस समय 1994 ईस्वी में इस चौक का उद्घाटन हुआ और इस प्रतिमा की स्थापना हुई। जगह छोटा होने के कारण यदा कदा जो रात में ट्रक और बसेस आती हैं, हमेशा धक्का लगने की वजह से ये चौक का जो मरम्मती का काम है वो प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है। हम बंगाली समाज की तरफ से हमेशा भरसक कोशिश करते हैं कि इस चौक की सुरक्षा और विधि व्यवस्था कायम रहे, इसलिए इसका जीर्णोद्धार इस वर्ष हांडी रस्पी के नीरज जी के तरफ से और बंगाली समाज वो आगे आए और बंगाली समाज जो हमेशा आगे तत्पर रहता है शहर के विकास के लिए, शहर के चौक चौराहों के सौंदर्यकरण के लिए और विकास को अग्रणी मानते हुए इस चौक को इस वर्ष भी रिनोवेट किया गया, जिसका उदाहरण सामने है। काम तो बहुत बाकी है और हम सभी ये प्रयास करेंगे कि जिला प्रशासन के सहयोग से, नगर पालिका के सहयोग से, नगर निगम के सहयोग से प्रत्येक चौक को एक नाम देने की, एक नई दिशा देने की। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ सुभाष चौक के इर्द गिर्द रहने वाले और सभी दुकानदार भाइयों से कि अपने अपने बोर्ड पर कम से कम वो इस वर्ष ये संकल्प लें कि सुभाष चौक नाम रखें और उस बोर्ड पर अपना, चूँकि इस चौक को सुभाष चंद्र बोस चौक के नाम से जाना जाए। धन्यवाद जी। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही,
सुभाष नेताजी सुभाष जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित है 1994 से, बावजूद इसके ये प्रचलन में नहीं है कि चौक को कि सुभाष चौक कहा जाए। ये हम सबों की जिम्मेवारी है। कैपिटल न्यूज भी आपसे अपील करता है कि जिन महापुरुषों के नाम पे चौक की स्थापना की जाती है उन महापुरुषों की को जीवित रखने का काम हमारा और आपका सभी नागरिकों का है, इसीलिए इस चौक को सुभाष चौक के नाम से पुकारा जाए। उसी तरह भगत सिंह का जो चौक है उसे भगत सिंह चौक के नाम से पुकारा जाए, न कि हॉस्पिटल चौक से। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर स्थापित प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर भारत माता की जय के उद्घोष के साथ उन्हें याद करते हुए उन्हें नमन किया। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य व जिला स्तर के कार्यकर्ता समेत काफ़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही और पूरी दुनिया इनके जन्म जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। युवा मोर्चा पूरे भारतवर्ष में हर एक मंडलों पे इनके श्रद्धा सुमन इनके चित्रों के सामने प्रतिमा के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती है और देश भर में युवा मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम बड़भागी लोग हैं जैसे शहीदों को हम जयंती मना रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और हम तमाम भारतवासियों से भी आग्रह करेंगे अपने देश की ऐसे महापुरुषों के जयंती के अवसर पर सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और ऐसे महापुरुषों को याद करना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अखंड भारत के प्रधानमंत्री, युवाओं के हृदय सम्राट, प्रखर राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। पूरा देश इस पराक्रम दिवस के रूप में इस जयंती को मना रहा है। सुभाष चंद्र बोस एक देश को आज़ादी दिलाने में ऐसे नायक थे जिन्होंने देश में रहते हुए और देश के बाहर भी जाकर भारतवासियों को संगठित करने का कार्य किया और वो सुभाष चंद्र बोस सभी को संगठित करके देश के आज़ादी करने में उनके हृदय में आज़ादी के लौ को पैदा करने का काम किया और उसी की देन है कि आज भारत राष्ट्र आज़ाद है और हम लोग आज़ादी में श्वास ले रहे हैं। हम ऐसे महान सपूत को नमन करते हैं, वंदन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस राष्ट्र को आज़ाद कराने में दे दी और उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।